नमस्कार, मैं हूं पिंकी राज पुरोहित और फिर एक बार आपके लिए लेकर आई हूं चंद्रयान 2 को लेकर अपडेट। आपको बता दें कि नासा ने यह दावा किया है कि चंद्रयान 2 का जो लैंडर विक्रम था वो हार्ड लैंडिंग हुई है उसकी, और यही कारण है कि संपर्क हमने खो दिया था। सितंबर 7 तारीख की सुबह हमने सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन करीब 330 मीटर की एल्टीट्यूड पर ही हमने संपर्क खो दिया था, जिसके बाद लगातार 14 दिनों तक डीप स्पेस नेटवर्क जो है इसरो के, वो लगातार संपर्क साधने की कोशिश में लगे हुए थे। यहाँ तक कि नासा के भी 3 जो डीप स्पेस नेटवर्क है वो भी लगातार संपर्क साधने की कोशिश में लगे थे, जो कि कैलिफोर्निया का गोल्डस्टोन और साथ ही स्पेन के मैड्रिड और ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा। ये 3 जो डीप स्पेस नेटवर्क है नासा के, वो लगातार अपने काम में लगे हुए थे ताकि किसी भी तरह से वहाँ का संपर्क साधा जा सके। लेकिन अब आपको बता दें कि नासा का जो लूनर ऑर्बिटर है उसने उस पर्टिकुलर जगह की, उस चंद्रमा के उस सतह की तस्वीरें ली है जहां पर ये सॉफ्ट लैंड होना था, लेकिन नासा ने अब ये दावा किया है कि काफी ज्यादा हार्ड लैंडिंग हुई है और यही कारण है कि हमने संपर्क खो दिया। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो कि नासा ने ली है। नासा ने बाकायदा ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि उनका जो ऑर्बिटर है वो उस मिशन की तस्वीरें, जो टारगेट लैंडिंग पॉइंट था, जो टारगेट लैंडिंग साइट थी चंद्रयान 2 मिशन के विक्रम की, उसकी तस्वीरें ली गई है और उस तस्वीरों को जारी किया गया। आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अगर आपको और बड़ी तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर नासा ने दावा किया है कि सिंपेलियस एन ये जो क्रेटर है और साथ ही ये मैंजिनस सी का ये जो क्रेटर आप देख रहे हैं, क्रेटर यानी जो गड्ढे होते हैं बड़े बड़े जो चंद्रमा की सतह पर मौजूद है, तो सिंपेलियस एन और ये जो मैंजिनस सी का ये जो क्रेटर आप देख रहे हैं उसके बीच में ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग का ये साइट था जिसकी तस्वीरें ली गई है। ये तस्वीरें नासा के लूनर ऑर्बिटर ने ली है, और ना सिर्फ एक तस्वीर बल्कि उसी सतह की जो है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अलग अलग ये जो नाम दिए हुए हैं, ये अलग अलग क्रेटर्स है जो कि चंद्रमा की सतह पर मौजूद है। और इसके अलावा नासा ने कुछ और ये तस्वीरें कैप्चर की है नासा के ऑर्बिटर ने। आपको बताते हैं कि इस वक्त चंद्रयान 2 मिशन का भी जो ऑर्बिटर है वो लगातार अपनी कक्षा में घूम रहा है और अलग अलग तस्वीरें जो है वो इसरो को भेज रहा है। हालांकि इसरो की ओर से अभी तक कोई भी तस्वीर जारी नहीं की गई है, लेकिन नासा ने ये तस्वीर ज़रूर जारी की है। इस वक्त आपको बता दें कि चंद्रमा की सतह पर रात है और रात होने के कारण वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -183 डिग्री तक बताया जा रहा है। यही कारण था कि जो विंडो था सॉफ्ट लैंडिंग का वो 7 सितंबर का था, और उसके बाद से 14 दिन तक क्योंकि वहाँ पर रोशनी थी, और यही कारण है कि इसरो और नासा दोनों ही लगातार वहाँ पर संपर्क साधने की कोशिश में लगे थे। लेकिन जैसे ही 14वां दिन यानी 20 सितंबर की रात को वहाँ पर अंधेरा छाने लगा, और यहाँ इस वक्त वहाँ पर अंधेरा है और टेम्परेचर क्योंकि माइनस डिग्री में है, और यही कारण है कि फिलहाल लैंडर को स्थापित करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ तक कि जो नासा ने भी जो तस्वीरें भेजी है उन तस्वीरों पर अगर नज़र डालें तो लैंडर विक्रम कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो साइट जो सॉफ्ट लैंडिंग की जो साइट थी उसकी तस्वीरें फिलहाल ज़रूर देखी गई है। और नासा के वैज्ञानिकों की ओर से ये भी कहना है कि अब आने वाले अक्टूबर में फिर एक बार कोशिश की जाएगी जब चंद्रमा की सतह पर वहाँ पर रोशनी होगी। 14 दिन तक जो है वहाँ पर अंधेरा रहेगा, और अंधेरे के बाद फिर एक बार जब वहाँ पर रोशनी होगी उस दौरान नासा का जो लूनर ऑर्बिटर है वो वहाँ पर तस्वीरें लेगा ताकि किसी भी तरह से विक्रम लैंडर को जो है लोकेट किया जा सके। हालांकि इस वक्त उसके साथ संपर्क साधने के जो चांसेस है वो बिल्कुल कम है, और यही कारण है कि इसरो की ओर से भी ये बयान दिया गया है कि पूरा जो मिशन है वो 95% सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि जितने भी 8 पेलोड है ऑर्बिटर में वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। ऑप्टिकल जो कैमरा है, हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो कि एक पेलोड है ऑर्बिटर में, वो भी लगातार वहाँ की तस्वीरें ले रहा है। ऐसे में अब आने वाले कुछ दिनों का और इंतज़ार करना होगा जब नासा या इसरो किसी भी तरह की तस्वीरें हमें भेजते हैं। लेकिन सीधे तौर पर आपको बता दें कि जब रफ ब्रेक और फाइन ब्रेक, दो तरह के ब्रेक जो कि लैंडर में लगने थे, रफ ब्रेक सही तरह से लग गया था, लेकिन जब फाइन ब्रेकिंग का वक्त आया उस दौरान करीब 2.1 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से जो विक्रम लैंडर था वो अपना पाथ जो है वो खो गया, यानी दूसरी राह पर चला गया था, जिस राह पर उसे होना था वहाँ पर नहीं था। और जैसे ही 330 मीटर की दूरी तक था सतह से उस दौरान संपर्क हमारा टूट गया था।
ऐसे में इसरो की ओर से ये भी कहा गया, जिन वैज्ञानिकों ने जो तस्वीरें देखी है, ऑर्बिटर के द्वारा ली गई जो तस्वीर देखी है, उसमें ये कहा गया है कि लैंडर विक्रम फिलहाल टिल्ट पड़ा हुआ है, यानी बहुत ही ज्यादा टिल्टेड अवस्था में है, और यही कारण है कि ये हो सकता है कि उसका जो एंटीना है वो डैमेज हो गया, जिसके कारण वो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन ऑर्बिटर को नहीं भेज पा रहा था। ऑर्बिटर एक मीडिएटर है, जो कि लैंडर विक्रम और रोवर से जो भी डेटा मिलना था वो डेटा ऑर्बिटर के जरिए हमारे मिशन कंट्रोल रूम तक पहुंचना था, लेकिन क्योंकि एंटीना डैमेज हो गया, यही कारण है कि किसी भी तरह का कम्युनिकेशन वो ऑर्बिटर से नहीं कर पाया और ऑर्बिटर के जरिए वो कम्युनिकेशन हम तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे में साफ तौर पर लैंडर विक्रम को लेकर जितनी भी उम्मीदें थी वो अब लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि रात वहां पर हो चुकी है। ऐसे में माइनस डिग्री में टेम्परेचर है, -183 काफ़ी ठंडा होता है। ऐसे में किसी भी तरह का संपर्क अब लगभग नामुमकिन है, लेकिन नासा के वैज्ञानिक लगातार अभी दावा कर रहे हैं कि किसी भी तरह से विक्रम लैंडर जो है वो कहां पर है, इसकी तस्वीरें लेने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे। तो आने वाले दिनों में आपके साथ और भी अपडेट लेकर हम मौजूद रहेंगे, लेकिन फिलहाल चंद्रयान 2 के मिशन के लैंडर विक्रम को लेकर बस यही अपडेट है जो आप तक पहुंचाना था। थैंक यू। ये है ABP News, आपको रखे आगे।